ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। जिस प्रकार हर बरसात में ये देखने को मिलता है कि उल्लासनगर शहर में कई धोखादायक इमारतें जो है एकाएक गिर जाती है, जिसके वजह से कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई है, और जिस तरीके से महामारी चल रही है उसी के चलते पूरे शहर भर में लॉकडाउन है, दुकानें बंद है, तो समस्या ये थी कि बरसात के पहले इन इमारतों को किस तरीके से दुरुस्त किया जाए, या फिर अन्य जो कि ज़रूरत के काम बरसात के पहले होते हैं उसे किस प्रकार से पूरा किया जाए। यानी कि छतों के जिस तरीके से आप देखते हैं कि लीकेज होते हैं कहीं बैरिक्स में, तो उनके लिए जो है तार पत्री की भी जो है महत्वपूर्ण ज़रूरत रहती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उल्लासनगर महानगर पालिका ने 12 मई के लिए 2 दिन के लिए जो आदेश दिए थे कि सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक जो है दुकानें खुली रह सकती है, और काउंटर डिलीवरी ना करते हुए जो है होम डिलीवरी, यानी कि जो है दुकान पे ख़रीदारी ना करते हुए घर पे जो है ख़रीदारी के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में ये देखने को मिला था कि जो है लगातार लोगों की जो है भीड़ उमड़ रही थी मार्केट में, जिसके बाद जो है प्रशासन ने अब ये आदेश पारित किए हैं कि इन सभी दुकानों पर फिर से पाबंदी ला दी गई है, क्योंकि शहर में लॉकडाउन का पूरी तरीके से उल्लंघन किया जा रहा था। वहीं पे इस आदेश को पारित करने के समय जो है स्पष्ट जो है प्रशासन द्वारा किया कहा गया था कि यदि शहर के नागरिक या फिर दुकानदार किसी भी तरीके के नियम का पालन नहीं करेंगे तो पाबंदी फिर से लागू कर दी जाएगी। तो नतीजा वही हुआ कि शहर के नागरिकों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया, जिसके बाद प्रशासन ने एक बार फिर से सारी जो भी राहत मिली थी उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है। सर, जिस प्रकार से जो कि आपने प्रशासन ने जो है छूट दी थी कि बरसात के पहले जो अति आवश्यक काम है उन्हें पूरा करना है, तो उसके लिए कुछ दुकानों को जो है ओपन करने के आदेश दिए थे, लेकिन जो है गाइडलाइंस फॉलो नहीं की जा रही थी, भीड़ की जा रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया जा रहा था, तो उसके बाद किस प्रकार के आदेश पारित किए गए हैं प्रशासन द्वारा? दुकानें चालू रहेगी या फिर उस पर पाबंदी लाई गई है? प्रशासन का इंटेंशन बिल्कुल यही था कि बारिश के पहले लोग अपने घर की मरम्मत करें, घर को सही करें, और उसके लिए घर पे डिलीवरी या स्पॉट पे डिलीवरी हो जावे, ऐसा उनको अनुमति दी गई थी, परमिशन दी गई थी जी। शुरू में 2 दिन 11 तारीख और 12 तारीख को एक्चुअली ये परमिशन दी गई थी, मगर पहले 2 दिन ठीक चलने की वजह से और भी एक्सटेंड भी किया था जी। मगर आज जो गंभीर चीजें सामने आ गई, जो खास करके दुकानदारों से एक्सपेक्टेड ही नहीं है जी, हम कानून पालन करने के अलावा कानून तोड़ने में इंटरेस्ट रखते हैं। गवर्नमेंट ने शराब के बारे में जब सर्कुलर निकाला तो जो हमने पूरे देश में जो माहौल देखा जी, वो कितना बुरा था सबने देखा जी। अभी ये दुकानें शुरू करते हुए हमारा एक्सपेक्टेशन सही था, जिसमें बारिश के पहले जो काम करने चाहिए, जो बिल्डिंग जरूरी है वो मरम्मत करनी चाहिए जी। मगर दुकानदारों ने काउंटर सेल अलाउ नहीं होते हुए भी काउंटर सेल करना शुरू कर दिया। दूसरी चीज, जब काउंटर सेल पुलिस या कॉरपोरेशन के वार्ड ऑफिसर जब पकड़ती है जी, तो शटर खोल के कस्टमर को अंदर ले ले, बेच दे चीज जो बेचनी है, फिर शटर खोल के बाहर छोड़ दे जी। अंदर लेके 10-10, 15-15 लोगों को अंदर दिखाया गया है, ऐसे वीडियो हमारे सामने आ गए हैं। यस यस, ये बहुत गंभीर बाब है, बहुत सीरियस बाब है। जिस चीज के लिए हम ये लॉकडाउन किया है जी, उसको ही ऐसी तरीके से गंदे तरीके से काम करेंगे, कानून तोड़ेंगे, तो ये सही नहीं है। उसकी वजह से आज पूरा जो लॉकडाउन पहले था वही तरीके से, जो हार्डवेयर और बाकी दुकानों को अलाउ किया था, इवन जो इलेक्ट्रिकल शॉप्स को फैन बेचने का अलाउ किया था, वो सबको बंद करवा दिया गया है जी। और ऐसा कोई चालू करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। ओके सर, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, जिस तरीके से जो कि स्वैब टेस्ट कलेक्ट किए गए हैं और जो कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो अब अंदाजन प्रशासन द्वारा कितने आंकड़े बढ़ने की जो है संभावना है, क्योंकि क्वारंटाइन के लिए काफी लोगों को जो है लिया गया है और उनके स्वैब टेस्ट जो है भेजे गए हैं? हम नहीं सुधरेंगे तो 31 मई तक 1000 का आंकड़ा पकड़ लीजिए, हम सुधरेंगे तो ये 200-300 में रहेगा। ओके, तो इसी के चलते हमारे सुधरने के ऊपर सब है। हमारा जो डबलिंग रेट जो है, आज 3 दिन में हमारी फिगर डबल हो रही है। ओके, 3 दिन में डबल पकड़ेंगे तो आज से 3-3 दिन को जो फिगर आएगी उसको डबल पकड़ते जाइए, तो वो 1000 फिगर जो है ये मंथ एंड में रहेंगी।
और उसके लिए कोई हॉस्पिटल मिलेगा नहीं। ओके ठीक है सर, हमारी तो भी हम लोगों को कोशिश और भी सीरियस होना है। इसमें मैंने जो देखा बहुत सारी जगह पे, जो हमारा चोपड़ा कोर्ट एरिया है, पवई एरिया है, 4 नंबर का एरिया है, ये सब जगह पे जो भीड़ नजर आती है, वो जी भीड़ को 100 बार बता के हुए भी उसमें कोई सुधार नहीं आती। मास्क पहने को बोलते हैं, मास्क कोई नजर नहीं आती। जी अभी हर एक के सामने मास्क नहीं रहेगा, कितने भी डंडे मारेंगे, जी डंडे के साथ में कोरोना पुलिस को आएगा तो पुलिस ने डंडा मारना भी छोड़ दिया बिल्कुल है, क्योंकि ये जरूर लोगों को ही जरूर सुधारना नहीं है, तो पुलिस जरूर को भी उनकी फैमिली संभालनी है। तो जरूर इसमें ये लोगों का अभी रिस्पॉन्स सही नहीं रहेगा तो इसका सबको भुगतना पड़ेगा। जी सर, हमारी भी कोशिश यही रहेगी मीडिया के माध्यम से कि लोगों को जागरूक करते रहे और शहर में संक्रमण को रोके। सर बहुत बहुत मीडिया के धन्यवाद। सब प्रतिनिधि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जी सर मीडिया उसके लिए सब चैनल पे, नेशनल चैनल से इंटरनेशनल चैनल से, लोकल जो अपने जी चैनल है और यूट्यूब चैनल भी है, ये सर सब जगह पे सब मीडिया वाले यही बता रहे हैं कि आप ये कोरोना के लिए जो अपने ऊपर जिम्मेदारी है, अपने ऊपर जो रूल दिए गए हैं उसका फॉलो करिए। लेकिन इसमें रूल तोड़ने का जब तक चलता रहेगा तब तक कोरोना का जो है खतरा बढ़ता ही रहेगा। सर, पूरी कोशिश रहेगी मीडिया की कि हम जो है लोगों तक ये आह्वान करें और लोगों को सचेत करते रहें। सर आपके प्रयास जो है काफी सराहनीय है और हम यही कोशिश करेंगे लोगों तक आपकी सारी बातों को पहुंचाएं। सर धन्यवाद, सर थैंक यू। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।